दिन के उजाले में हाथ में लालटेन और टॉर्च लिए ये शख्स एक रिटायर्ड फौजी है और अपने शहर में हाईवे ढूंढ रहा है। नहीं मिला तो अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि देश की संसद से महज 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बागपत जिला विकास में कितना पिछड़ा हुआ है, इसकी एक बानगी देखने को मिली। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B की स्थिति काफ़ी बदहाल हो चुकी है। हाईवे में गड्ढे हैं या गड्ढों में हाईवे, इसका भी पता नहीं चल पाता। इसीलिए बागपत में एक पूर्व फौजी दिन में ही हाथों में लालटेन, टॉर्च और पीएम मोदी का मुखौटा लेकर हाईवे ढूंढने निकल पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। रिटायर्ड फौजी के विरोध प्रदर्शन का यह अनूठा तरीका मीडिया की सुर्खियां तो बटोर ही रहा है, वहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बन गया है। बता दें कि लोनी गोल चक्कर से लेकर खेकड़ा तक हाईवे का तकरीबन 22 किलोमीटर का रास्ता बेहद जर्जर और बदहाल स्थिति में है। इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो बीमार हैं। उन्हें इलाज के उपचार के लिए ले जाते वक्त कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात इतने बदहाल हैं कि समय से उपचार न मिलने के कारण कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हालातों को देखते हुए बागपत के खेकड़ा तहसील के लोकसभा चुनाव लड़ चुके सेवानिवृत्त फौजी ने इस हाईवे के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर एक अनूठा ही आंदोलन खड़ा कर दिया। उनका विरोध करने का यह अनोखा प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। सुभाष चंद्र कश्यप ने दिन के उजाले में एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लेकर 22 किलोमीटर तक एक हाईवे की खोज की। सुभाष कश्यप का कहना है कि सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री के दावे बागपत में फेल हो रहे हैं। हाईवे के निर्माण की धीमी गति के चलते इस क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। डीएम बागपत से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन हाईवे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल पूर्व फौजी सुभाष कश्यप का यह अनूठा विरोध प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की हालत इतनी बदतर है और इतनी बदतर है कि देश की संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर बागपत जनपद और 20 किलोमीटर दूर लोनी तहसील, जहाँ से ये हाईवे गुजर के जाता है, इस हाईवे की दुर्दशा इतनी हालत ख़राब है कि लोग नरक का जीवन जीने को मजबूर है। हाईवे बनाने के नाम पर सर्विस रोड को भी ख़त्म कर दिया गया, सर्विस रोड भी नहीं है। मैं आदरणीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब से निवेदन करूंगा कि इस हाईवे को आप देख लीजिए। आज मोदी जी को मैंने एक नमूने के तौर पे, पहचान के तौर पे पैदल मार्च करके दिखाया है कि आदरणीय मोदी जी मेरे साथ चलिए पैदल पैदल और बागपत जनपद की खेकड़ा तहसील से गाजियाबाद जनपद की लोनी पूछते तक का इतना बुरी हालत है, इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। मैं अपील करता हूं इसको जल्द से जल्द हाईवे को बनवाने का प्रयास करें। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।